हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। मैं हूं सुनील कुमार, केटी हेयर स्टाइल है। सर, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं दिस लेटेस्ट हेयर स्टाइल हेयर ट्यूटोरियल। सो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा इस हेयर स्टाइलिंग को सीखने के लिए। सो डोंट बी डिले, लेट्स स्टार्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। मैं हूं सुनील कुमार, केटी हेयर स्टाइल है। सर, इस हेयर स्टाइलिंग के लिए सबसे पहले आपको करनी है नीट एंड क्लीन ब्रो ड्राई। क्रिम्पिंग करनी है तो आप कर सकते हो फॉर मोर वॉल्यूम एंड टेक्सचर के लिए। देन उसके बाद आपको एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है आपके हेड के ऑक्सीपिटल बोन से, या जो बोन होती है हेड के टॉप एरिया पे, वहाँ से आपको एयर के टॉप तक एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है। देन आपको बाकी रेस्ट ऑफ हेयर की एक पोनी बना लेनी है इस तरीके से। और देन आपको जो ऊपर के रेस्ट ऑफ हेयर है उनको हम ओपन कर लेंगे और आपको बैक कॉमिंग टॉप एरिया से आपको बैक कॉमिंग स्टार्ट करनी है। ये देखिए, रेस्ट ऑफ हेयर को हम ओपन कर लेते हैं। जस्ट डाउनवर्ड्स आपको इसको कॉम करना है। सबसे पहले टॉप से आपको इस तरीके से सेक्शन लेना है, इसको आप बैक कॉम करेंगे। ये टाफ्ट हेयर स्प्रे में यूज़ कर रहा हूँ, स्कॉस्कॉफ कंपनी का। ये देखिए, स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे है ये, इसका 5 नंबर को होल्ड होता है। देन अगेन सेम आपको सेम थिकनेस के सेक्शन लेने हैं। जस्ट रूट एरिया पर आपको बैक कॉम करना है। हमें बाउंस चाहिए, इसमें वॉल्यूम चाहिए, बैक वॉल्यूम चाहिए, इसलिए हम ये बैक कॉमिंग कर रहे हैं। ये देखिए, जस्ट आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेके, छोटे छोटे सेक्शन लेके आपको ये बैक कॉम करना है और जस्ट इनको फॉरवर्ड की तरफ, आगे की तरफ इनको डाल देना है। बैक कॉमिंग करने के बाद आपको अगेन इनको ओपन करना है, कॉम करके स्प्रेड करते हुए आपको इनको ओपन करना है। ये देखिए, जस्ट इनको आप डाउनवर्ड्स की तरफ कॉम कर लेंगे। ये देखिए, हमें इसमें जितना वॉल्यूम चाहिए, हमें इसमें वॉल्यूम मिल चुका है। देन आपको सारे बालों को आपको अच्छे से कॉम करना है। ये देखिए, जस्ट ऊपर ऊपर से आप इसको कॉम कर लेंगे, नीट कर लेंगे, फिनिशिंग देना है इसको आपको। अगर आपको और सेक्शन की नीड है फॉर वॉल्यूम, आपको और वॉल्यूम चाहिए, तो आप और सेक्शन आप फ्रंट से एड ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इसको पिनअप कर लेना है। ये देखिए, हम इसको अच्छे से कॉम कर लेते हैं। देन आपको उसको स्प्रे करना है, नीट करना है, और इसको हमें नीचे जो है पोनी के साथ में आपको इसको पिनअप कर लेना है। ये देखिए, जस्ट हमने इसको पोनी के ऊपर प्लेस किया और इसको बॉबी पिन से जो है लॉक कर लेना है। ये क्रिस क्रॉस करके आप लॉक करेंगे। ये देखिए, देन इसको हम पोनी के साथ में मर्ज कर लेंगे। देन दोस्तों, आपको टॉप पे एक और सेक्शन लेना है, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हम टॉप से एक सेक्शन लेंगे, इसको आपको कॉम करना है। हल्का सा आप बैक कॉम करेंगे, इसको स्प्रे करना है और जस्ट आपको इसको हल्का सा फिनिशिंग लुक देना है। देन आप अदर हैंड से इसको हल्के हाथ से ग्रिप करेंगे और इसमें आपको पुलिंग टेक्निक से इसमें लेयर्स उठानी है इस तरीके से। ये देखिए, हल्की हल्की लेयर्स आप ये फिंगर के टिप से आप उठा सकते हैं इस तरीके से। स्प्रे करना है आपको, उसको फिनिशिंग देना है। ये देखिए, आपको ऊपर ऊपर हल्की हल्की लेयर्स आपको इसमें बना लेनी है। ये आपके तब के लिए है जब से आप एकदम से सारा पफ आप क्रिएट कर लेते हैं और आपसे लेयर नहीं बन पाते, तो आप जैसे भी छोटे छोटे सेक्शन लेके भी आप लेयर्स को कर सकते हैं। ये देखिए, जस्ट सेक्शन लिया, बैक कॉम किया, देन ट्विस्ट किया और पुलिंग टेक्निक से भी आप ये लाइंस आप क्रिएट कर सकते हो। जस्ट फिंगर के टिप से आपको इसको पुल करना होता है ऊपर की तरफ, अदर हैंड से आपको इसको लूज रखना है, ज़्यादा टाइट नहीं रखना आपको पुल करने के लिए, उसको खींचने के लिए अदर सेक्शन से सिर्फ आपको हल्की ग्रिप चाहिए, दैट्स इट। और दूसरे फिंगर की टिप से आपको उसको पुल करेंगे जैसे आप ऊपर की ओर, तो वो सेक्शन ऊपर की तरफ उठ जाता है और आपकी लेयर जो है बन जाती है। तो सेम टेक्निक आपको ये लेयर्स बनाने में आपको ये यूज़ करनी है, पुलिंग टेक्निक कहते हैं इसको। अदर साइड से भी आप सेम टेक्निक यूज़ करेंगे। देखिए सेम आपको उसी वे से आपको ये लेयर्स बनानी है और जस्ट जहाँ पे हमने ये पीछे अदर सेक्शन को लॉक किया है, सेम प्लेस पे आप इन सेक्शन को भी लॉक कर लेंगे बॉबी पिन से।
ये देखिए, जस्ट आपको क्रिस क्रॉस करके आपको जो है सेक्शन को लॉक करना है। लेयर्स आपको अगर कहीं डाउनवर्ड्स लगती है, थोड़ा कम लगती है, तो आप उनको पुल करके और भी आप उनको उठा सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आपको जो है लाइन का टेक्सचर जो है या लेयर्स का टेक्सचर क्रिएट करना है पफ के ऊपर, कि वो थोड़ा बिल्कुल नीट ना लगे, थोड़ा सा आपको इसमें लेयर्स देनी है। देन दोस्तों, पोनी में से आपको जो है सेक्शन लेने हैं, पतले पतले सेक्शन लेंगे आप। सबसे नीचे वाले सेक्शन को आपको छोड़ देना है, देन उसके बाद आपको सेम थिकनेस के सेक्शन लेने हैं। इसको आप बीच बीच में हल्का हल्का छोटा छोटा बैक कॉम करेंगे, ये देखिए, देन उसको कॉम भी करना है और नीट करना है, स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद आपको इसको फिंगर से जस्ट इसको नीट करना है। स्प्रे करेंगे, फिंगर से नीट करेंगे, ये देखिए। स्प्रे थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना है, बिकॉज हमें ये पूरा लाइक स्प्रे से ये फिनिशिंग लुक चाहिए इसमें। ये देखिए, आपको स्प्रे करना है और जस्ट फिंगर से आपको इसको नीट करना है। ये देखिए, छोटा छोटा बैक कॉम किया, अगेन सेम थिकनेस का सेक्शन लेके स्प्रे किया, कॉम किया, इसको फिनिशिंग लुक देनी है। देन स्प्रे करके इसको फिंगर से प्रेस करना है, बट इसको आपको बहुत पतला बनाना है और इसको फिनिशिंग देनी है। जस्ट फिंगर से जैसे आप स्प्रे करोगे और फिंगर से इसको आप प्रेस करोगे, तो ये एक स्लीक लुक में आ जाएगा आपका, एक पट्टी जैसा होता है, बहुत पतली आपको हेयर की एक लेयर बनानी है। ये देखिए, सेक्शन लेके इसको अगेन बैक कॉम किया हमने, ये देखिए, छोटा छोटा बैक कॉम किया। देन आपको स्प्रे करना है, अगेन स्प्रे आपको थोड़ा ज़्यादा करना है और स्ट्रांग हेयर स्प्रे आपको इसमें यूज़ करना है। ये देखिए, स्प्रे किया अगेन, देन फिंगर के टिप से हमने इसको प्रेस किया। जस्ट नॉर्मली जैसे हम आयरन से प्रेस करते हैं, वैसे हम इसको फिंगर से जस्ट अपने हाथ की हीट से आप इसको जस्ट प्रेस करना है। तो जैसे आप स्प्रे यूज़ करेंगे, स्ट्रांग हेयर स्प्रे, और इसको अपने फिंगर से प्रेस करेंगे, तो वैसे इसकी एक पतली लेयर जो है बन जाती है और वो सेट हो जाती है। बस आपको उसको फिनिशिंग के साथ में बनाना है, फ्रिजनेस नहीं होनी चाहिए उस सेक्शन में। अगेन बैक कॉम हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वो डिसकनेक्ट ना हो, और उस पर थोड़ा जो पट्टी आप बना रहे हो, जो एक स्टेप्स आप बना रहे हो, वो वैसे बन जाए। अगेन स्प्रे किया, ऊपर नीचे दोनों साइड से आपको स्प्रे करना है, कॉम करना है, और जस्ट अगेन फिंगर से इसको प्रेस करना है। ये देखिए, ये जस्ट मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए, स्प्रे की वजह से ये हार्ड हो जाएगा, स्टिफ हो जाएगा, और आपकी जो है पतले पतले लेयर जो है बन जाएंगे। इस तरह की आपको ये सारे सेक्शन लेने हैं, इक्वल सेक्शन लेने हैं, कोशिश कीजिएगा बराबर सेक्शन लेने की, और इक्वल सेक्शन आपको ये लेने हैं। टेक्निक सेम रहेगी, रूट एरिया पे आप बैक कॉम करोगे टू मिड पॉइंट तक आपको इसको बैक कॉम करना है, छोटा छोटा बैक कॉम करना है, स्प्रे करना है, देन कॉम करके पहले उसको नीट करेंगे और फिनिशिंग लुक देंगे आप, फिर फिंगर से आपको उसको प्रेस करना है। देखिए, सारे सेक्शन पे सेम टेक्निक रहेगी, स्प्रे थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर सकते हो जब तक आपको फिनिशिंग लुक नहीं मिल रही है, पर ज़्यादा भी नहीं कि वो बहुत हार्ड हो जाए। देन आपको पांच आपको ये सेक्शन लेने हैं, और पांच की आपको इस तरीके से ये लुक देनी है, बिल्कुल पतली पतली लेयर लेके आपको इसको इस तरीके से क्रिएट करना है। देन जैसे हम रोज़ के लिए इसको घुमाते हैं फिंगर पे, ये मिड फिंगर पे आपको एक साथ घुमाने हैं, ये देखिए। एंड देन इसका जो लो पॉइंट है, बेस है, इसको आपको जूड़ा पिन से जो है लॉक कर लेना है। ये देखिए, जूड़ा पिन से आपको लॉक कर लेना है, ये दो तीन जूड़ा पिन से आप इसको टाइट करके लॉक कर लीजिएगा। आपकी पोनी के साथ में आपको इसको लॉक करना है, ये देखिए। देन दोस्तों, जैसे आप इसको राउंड करेंगे, तो इसकी अलग अलग लेयर जो हमने स्प्रे की मदद से बनाई हुई थी, उसको आपको जस्ट राउंड सर्कल पे आपको अलग अलग लेयर्स पे डिसकनेक्ट करना है। आपको उसको थोड़ा फैला लेना है, ये देखिए, ये सबसे पहले हमने इसको थोड़ा डिसकनेक्ट कर लिया है अलग अलग लेयर्स पे। जूड़ा पिन की मदद से आप उनको पहले सेपरेट कर लेंगे। सबसे पहले आपको जो है, जो पहले वाला सेक्शन हमने क्रिएट किया था, उसको जस्ट हम राउंड करेंगे। देखिए,
देन उसको हम जूड़ा पिन से लॉक कर लेते हैं। ये देखिए, देन आपको एक एक लेयर्स को सेम इसी टेक्निक से आपको जस्ट राउंड करना है। ये देखिए, इसको भी हम जूड़ा पिन से लॉक कर लेंगे। जैसे जैसे आप एक एक लेयर को राउंड इसको करते चले जाएंगे, वैसे वैसे इसकी जो है रोज़ की शेप ऑटोमेटिकली जो है क्लियर होती जाएगी। एक राउंड सर्कल आएगा, लेकिन काफ़ी अच्छी इसकी लुक आती है, काइंड ऑफ रोज़ टाइप की इसकी लुक आएगी एंड में। देखिए, अगेन हमने जो लेयर हमने ऑलरेडी क्रिएट करी हुई है उनको थोड़ा स्प्रेड करके और जस्ट आपको राउंड इसको घुमाना है। ये देखिए, नीटनेस का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें फ्रीजनेस आएगी तो ये अच्छा नहीं लगेगा। जैसा आपको इसको नीट करके क्रिएट करना है, काफ़ी एलिगेंट लगता है ये हेयर स्टाइल, काफ़ी अच्छा लगता है, इजी है, ज़्यादा टफ भी नहीं है। बस आपको 3-4 सेक्शन जो है इसी तरह से आपको ये बैक कॉम करके ऐसे आपको प्लेन पट्टियाँ बनानी है हेयर की। पतले पतले सेक्शंस को आपको सेपरेट करके देन रोजेस के शेप में आपको जस्ट राउंड करना है और उसी लेयर्स को आपको सेट कर लेना है। काफ़ी एडवांस और अच्छा लुक आता है इसका दोस्तों। ये देखिए, जस्ट हर एक सेक्शन को आपको इसको जूड़ा पिन से आप सेट करेंगे। ये देखिए, रेस्ट ऑफ लेयर्स को भी आपको सेम टेक्निक से जैसे हमने अदर लेयर्स को आपने सेट किया है, जस्ट राउंड सर्कल में आपको इसको सेट करना है। ये देखिए, जस्ट स्प्रेड करेंगे हम इसको, जस्ट स्प्रेड किया डाउनवर्ड्स की तरफ और इसके एंड्स को आपको जूड़ा पिन से अगेन सेट कर लेना है। ये देखिए, इसको जस्ट आपको जो हमने पोनी बनाई है पोनी के साथ में और जैसे आप इसको राउंड करेंगे और जो हमने बैक कॉम किया है जस्ट बेस पे, उससे आप इसको अटैच करके आप इसको जूड़ा पिन से लॉक कर सकते हैं, इजीली लॉक हो जाएगा। देन नीचे वाला सेक्शन दोस्तों जो हमने पहले छोड़ा था वो अभी हम उसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, जो छोटे छोटे बाल हैं इनको आपको जस्ट बेस पे राउंड करके इनको सेट कर लेना है। ये देखिए, जो रेस्ट ऑफ हेयर है इससे आपको इसको सेक्शन लेना है। जैसे हम रोज़ पेटल क्रिएट करते हैं वैसे आपको जस्ट इसको कॉम करना है, स्प्रेड करना है डाउनवर्ड्स की तरफ। स्प्रे करेंगे आप, जस्ट नीट करेंगे और आपको इसको रोज़ पेटल की तरह आप में इसको सेट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। देन रेस्ट ऑफ हेयर को भी आपको जस्ट इसको पेटल्स बनाते हुए आपको इसको सेट करना है। आपको बेसिकली इसको शेप देनी है जो लुक वाइज में अच्छी लगे, काइंड ऑफ रोज़ की, प्रॉपर रोज़ नहीं है लेकिन उसके जैसी इसकी लुक है, पर लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है ये। ये देखिए, इसको भी हमने इसके एंड्स को जस्ट पेटल्स की तरह क्रिएट किया और उसको सेट कर लिया है। ये देखिए, ये हमने वुडन स्टिक लगा दी है होल्डिंग के लिए। ये देखिए, जस्ट टेलकॉम के टेल से फिनिशिंग देंगे आप। जो छोटे छोटे फ्रीजी हेयर हैं उनको आपको सेट कर लेना है सेम वे में जिस वे में आप पेटल्स क्रिएट कर रहे हो। देन चलते हैं हम फ्रंट की तरफ। सबसे पहले आपको साइड के लिए सेक्शन ले लेना है। इस तरीके से टॉप एरिया को हम सेपरेट कर लेते हैं। देन साइड सेक्शन को आपको जस्ट कॉम करना है, स्प्रे करना है, हल्का सा स्प्रेड करते हुए ले जाएंगे पीछे डाउनवर्ड्स की तरफ। देन हल्की हल्की लेयर्स आप इसमें उठा सकते हो। अब देन आपको इसको पीछे लॉक कर लेना है जहाँ पे हमने पोनी को लॉक किया हुआ है। ये देखिए, या आप लूज लूज सेक्शन क्लिप से पहले इसको होल्ड कर सकते हो, देन उसके बाद भी आप इस पर लेयर्स बना सकते हो। कोशिश करिएगा कि जब आप इसको स्प्रेड कर रहे हो तभी आप इसमें लेयर्स उठा दो तो ज़्यादा बेटर है। ये देखिए, कुछ ऐसी लुक आएगी इसकी साइड से। फ्रंट से आपको लुक देखना है बिकॉज फ्रंट से भी लुक आनी चाहिए। देन सेम टेक्निक आपको अदर साइड से यूज़ करना है। जस्ट इसको स्प्रेड किया और ट्विस्ट किया, लॉक कर लिया। देन इस पर भी आपको हल्की हल्की आपको सेम लेयर्स आपको उठानी है। ये देखिए, स्प्रे करेंगे आप, नीट करना है जस्ट इसको। ये देखिए, इसको आपको टाइट करके जो है लॉक कर लेना है।
जस्ट छोटे छोटे फ्रिजी हेयर को हम नीट कर लेंगे। ये देखिए इसको टाइट करके बॉबी पिन से हम लॉक कर लेते हैं। अदर सेक्शन को भी हम टाइट करके इसको बॉबी पिन से लॉक कर लेते हैं। देन दोस्तों चलते हैं हम टॉप एरिया पे। इसको जस्ट आपको कॉम करना है और उसको भी आपको स्प्रेड टेक्निक यूज़ करनी है। जस्ट हम इसको फॉल में देने वाले हैं। ये देखिए इस तरीके से आप इसको स्प्रेड करोगे। जस्ट अदर हैंड से आपको उसको होल्ड करना है और जस्ट फिंगर से आपको इसको स्प्रेड करना होता है। ये देखिए देन इसको टॉप पे आपको हल्का सा, ये देखिए इस तरीके से, और जस्ट आपको पीछे इसको होल्ड कर लेना है सेक्शन क्लिप से। स्प्रे करेंगे आप, नीट करेंगे इसको। देन इस पे अगर आपको नीट लुक ही चाहिए, ये हम जहाँ से इसका स्टार्टअप होता है उसको आप हल्का सा आप जो है फ्रंट से इसको उठा लेंगे ताकि इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम लगे। देन इसके ऊपर आप, ये ऑप्शनल है, आप इस पर लेयर्स भी बना सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको नीट भी रख सकते हो। अगर नीट आपको अच्छा लग रहा है, क्लाइंट को नीट लुक अच्छी लग रही है, तो आप नीट इसको छोड़ सकते हो, अदरवाइज़ आप हल्का टेक्स्चर आप इसके ऊपर भी दे सकते हो। ये देखिए इस तरीके से जैसे आपको इसमें लेयर्स उठानी है और इसको जो है आपको लॉक कर लेना है बॉबी पिन से। ये देखिए इसको टाइट करके आप लॉक कर लेंगे। थोड़ा लूजी सा रुक रखना आपको इसको, ज़्यादा टाइट नहीं देना। ये देखिए फेस लुक के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा जैसे आप ये फॉल देंगे। फ्रंट लुक ऑप्शनल है दोस्तों, ये भी आपको जैसे जैसे कैनवास मिलेंगे, फेस कैनवास, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। अगेन सेम टेक्निक, जैसे स्प्रेड किया सेक्शन को, स्प्रे किया, जैसे आपने स्प्रेड करके ये रोज़ पेटल बनानी है। ये देखिए देन हमने इसको होल्ड किया, वुडन स्टिक से स्प्रे किया, सेट कर देना है इसको आपको। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसकी लुक आने वाली है। देन दोस्तों रेस्ट ऑफ जो दो सेक्शन हैं उनको भी आपको सेम टेक्निक से स्प्रेड एंड पेटल टेक्निक आप इसमें यूज़ करेंगे और प्लेसमेंट के हिसाब से जैसा आपको उनको सेट करना है। यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई है बिकॉज ऑफ सम रीजंस की वजह से, माफ़ी चाहता हूँ इस बात के लिए। ये देखिए जस्ट ये दो सेक्शन आपको जस्ट सेट करने हैं सेम टेक्निक से। ये दो सेक्शन कम्प्लीट करने के बाद में इसकी कम्प्लीट लुक आ जानी है। जैसा आपको इसको राउंड में ही घुमाना है और दस सिट सेट कर देना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसकी लुक आएगी। ये देखिए देन आपको इसमें जो है हेयर एक्सेसरीज जो भी आप लगा सकते हो वो आपको लगानी है। ये जस्ट हम फ्रंट की तरफ इसमें हेयर एक्सेसरीज लगा रहे हैं, ये साइड की तरह एज अ बैंड की तरह हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए इससे इसकी फ्रंट लुक जो है इन्हेंस होगी। ये साइड पे जस्ट आप लगा सकते हो इस तरीके से और देन बैक में आपको ये सेंटर पॉइंट पे एक बीट्स लगा देना है इस तरीके से, तो इसकी रोज़ की सेल्स जो है कंप्लीट हो जाएगी। सो दोस्तों इस तरीके से इसकी लुक आनी है। ये है कंप्लीट हेयर स्टाइलिंग। देन हम इसमें पहना लेते हैं एयररिंग्स। सो दोस्तों ये है कंप्लीट हेयर स्टाइलिंग, कुछ इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे। ये है इसका कंप्लीट लुक। सो दोस्तों मुझे बताइएगा ज़रूर ये वीडियो आपको कैसी लगी, मेंशन जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और उन लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से आप इसको कम्प्लीट करेंगे, बहुत ही अच्छी लुक आने वाली है इसकी। ये देखिए मैंने इसकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाई थी जैसे इसका लुक जो है ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है हेयर स्टाइलिंग। ये देखिए जैसे आप इसको क्रंच भी कर सकते हो, लेकिन आफ्टर क्रंच करने के बाद इसको लीव करोगे तो अपनी शेप में आ जाता है। कहने का मतलब ये स्टाइलिंग जल्दी से ख़राब होती नहीं है अगर आप इसको बना भी लेते हो तो। ये देखिए मैंने कितनी बार इसको क्रंच कर लिया तो, लेकिन ये ख़राब नहीं होगी इतनी जल्दी। ये मैंने एक छोटी सी वीडियो क्लिप भी बनाई थी तो मैंने सोचा ये भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर किया करें। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई स्टाइलिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ये लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और उन लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है। दोस्तों मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपके कोई कमेंट्स होते हैं, कोई सुझाव होते हैं तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और आइकन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी या मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे लाइक
डिसलाइक ज़रूर किया करें, इससे हमें पता चलता है हमारी बनाई वीडियो आपको पसंद आ रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और बहुत समय लगता है, सो प्लीज़ इसमें रिएक्ट ज़रूर करें, रिएक्शन ज़रूर दें। अगर आप डिसलाइक करते हैं तो प्लीज़ मेंशन ज़रूर करें कि आपको क्यों पसंद नहीं आ रही, ताकि हम उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकें। सो दोस्तों तब तक अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई स्टाइलिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, ठीक है।